खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सहावा बाईपास पर स्थित एक भूखंड पर निर्माण को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौके पर जुटी भीड़ में हुई पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि उक्त भूखंड पर निर्माण को लेकर दूसरे पक्ष को एतराज था, जिस कारण वह निर्माण को रोक रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार यहां के डेरा निरंकारी के निकट स्थित भूखंड पर शनिवार को निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग वहां एकत्रित हो गए। उनका कहना था कि यह जगह कब्रिस्तान की गली के लिए छोड़ी गई है, इसलिए यहां निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। मौके पर इकट्ठा भीड़ में से किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मौके पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक ईश्वर सिंह और थाना अधिकारी ईश्वर नंद ने भीड़ में समझाइश शुरू की। मौके पर भारी पुलिस जब्ता भी तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के भूखंड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। के लिए काफी आप आ जाओ जी जी, और आप इस तरीके से कह रहे हो कि नहीं जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये अब स्थिति पूरी नियंत्रण में है। हाँ नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई है? नहीं, गाड़ी पुलिस वालों की तो शीशे के। ऑटो पर तो आपने सबूत है के हाँ